the determination over circumstances. So sir, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि first of all, determination आपके हिसाब से क्या है? सी खुशी, यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं. आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वो बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं. आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप एक्टर बनना जो चाहते हैं, आप वो सब कुछ बन सकते हैं. बट आप बनेंगे कैसे, राइट? वो जो बनने की बात है ना, वो आप बनेंगे कैसे, उसके लिए आपको एक टूल चाहिए होता है, और वो टूल होता है डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन इज दैट टूल, डिटर्मिनेशन इज दैट पावर, जिसके थ्रू आप अपने ये सारे गोल्स अचीव कर सकते हो, है ना. तो जब तक आप डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, यू विल नेवर रीच टू योर गोल. हम सब बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और हम कहते हैं ना, पॉजिटिविटी लीड्स टू सक्सेस. मानते हैं ये बात, है ना. तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ पॉजिटिविटी हमें सफलता तक नहीं ले जाती, है ना. बीइंग पॉजिटिव मीन्स यू आर जस्ट ड्रीमिंग. अगर आप बहुत सकारात्मक है, तो इसका मतलब आप सपने देख रहे हैं, और सपने पूरे तभी होते हैं जब आप उनको गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना. सो पॉजिटिविटी मीन्स ड्रीमिंग, और गोल मतलब डिटर्मिनेशन. सो आप जब अपने पॉजिटिविटी को जब आप विंग्स देते हैं ना, तो विंग्स होता है डिटर्मिनेशन का, और वो डिटर्मिनेशन आपको उस एक्साइटिंग डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है जहां आप सब पहुंचना चाहते हैं, जिसे आप कहते हैं SUCCESS, सक्सेस. सो टू रीच टू सक्सेस, यू मस्ट हैव डिटर्मिनेशन ऑफ विंग्स अलॉन्ग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना. सो डिटर्मिनेशन वो पावर है, वो टूल है, जिसके थ्रू आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं. क्योंकि याद रखें, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, आपका डेस्टिनेशन वहां है, और वहां पहुंचने के लिए आपको यकीनन उड़ान भरनी पड़ेगी, और उड़ान आपको डिटर्मिनेशन देगा. सो डिटर्मिनेशन इज दैट पावर.